हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ज्ञान चैनल आज हम बात करेंगे जुडिशरी में एपीओ में क्लैट में, 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 में यहाँ तक यूपीएससी के पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज फ्रेम बाई दूट असेंबली वॉज फाइनली अडोप्टेड एंड एनेक्टेड ऑन पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ जनवरी उन्नीस छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनचास और छब्बीस जनवरी उन्नीस डेट्स हैं तो फर्स्ट है कि अगला है तीस जनवरी उन्नीस इस दिन को तो गांधी जी को गोली मारी गई थी सी है हमारा 26 नवंबर उन्नीस ये भी हो सकता है डी जो है वो छब्बीस जनवरी उन्नीस इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स में आया था जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं तो जो हमारा राइट right आंसर है वो है सी की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो असेंबली ने फाइनली अडॉप्ट और किया था वो 26 जनवरी 1949 को किया था 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम उन्होंने उसको साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन को और डिक्लेयर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है 26 नवंबर 1949 को ही कुछ ऐसे प्रोविजन थे जिसको उसी दिन इमीडिएट इफेक्ट में लाया गया वो था सिटीजनशिप इलेक्शन प्रोविजनल ऑफ पार्लियामेंट टेम्परे एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन ये इमीडिएट इफेक्ट में आए थे रेस्ट ऑफ द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आए थे इसी दिन को कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कितना टाइम लगा बनने में इसने दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन लगे थे और इसमें टोटल एक्सपेंडिचर सिक्स पॉइंट फोर मिलियन का खर्चा हुआ था अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इंटू फोर्स अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो छब्बीस जनवरी उन्नीस था ठीक है अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स

में 104 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं लेटेस्ट जो इफेक्टिव थी अमेंडमेंट वो 25 जनवरी 2020 थी तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि एट द टाइम जो है कितने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं उसका आंसर है 470 अगला क्वेश्चन है द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट ओरिजिनली ऑफ ए 395 आर्टिकल्स एंड नाइन शेड्यूल बी 395 आर्टिकल्स एंड 10 शेड्यूल सी 420 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स डी 395 आर्टिकल्स एंड ए शेड्यूल अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन साइन और एक्सेप्टेड विद 395 आर्टिकल्स विद ए शेड्यूल्स डिवाइडेड इन 22 पार्ट्स अगला क्वेश्चन है अमंग दी फॉलोइंग प्रोविजंस विच वन कम इनटू फोर्स सून आफ्टर एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 तो ए है प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप बी इलेक्शन सी प्रोविजनल पार्लियामेंट डी ऑल ऑफ द अब हमने ऊपर पढ़ा था कि जब 26 जनवरी उन्नीस को कौन कौन से प्रोविजन इमीडिएट इफेक्ट में आए थे वो थे सिटीजनशिप इलेक्शन प्रोविजनल पार्लियामेंट टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा डी

अब इसका आंसर हम देखेंगे कि ए जो है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी ये तो हमें पता ही है दूसरा फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो काशी फेडरल स्ट्रक्चर है डी जो है वहां पे यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पावर सेंटर स्टेट के पास डिस्ट्रीब्यूट है सी जुडिशरी किसी के लिए कमिटेड नहीं है तो ये उसका कोई फीचर नहीं है तो इसका आंसर होगा सी अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए पार्टली रिजिट पार्टली फ्लेक्सिबल बी रिजिट सी फ्लैक्सिबल

एंड यूनिट्री इन स्प्रिट फेडरलिज्म का मतलब होता है की फेडरलिज्म जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जहाँ पे कुछ स्टेट या सारी स्टेट जो है, वो independent अपना home है यानी वहां पर अपने अपने डिसीजन ले सकती है तो ये तो हमारे इंडिया में होता ही है अगला क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी द इंडियन स्टेट बिकम्स डैश फ्रॉम डैश ए फेडरल एंड यूनिट्री बी यूनिट्री टू फेडरल सी यूनि टू यूनिट्री डी यूनिट्री टू क्वासी फेडरल तो इसका आंसर है यूनिट्री टू क्वासी फेडरल अगला क्वेश्चन है द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और ऑल्टर दाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट रेस्ट विद ए पार्लियामेंट बी प्रेसिडेंट सी गवर्नर डी नन ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी के एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ये सारी पावर पार्लियामेंट को दी हुई है तो इसका सही आंसर है ए पार्लियामेंट अगला क्वेश्चन है यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्टर्ड बाय ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी बाय द गवर्नर ऑफ टेरिटरी सी बाय द चीफ गेस्ट डी बाय द प्रेसिडेंट थ्रू लेफ्टिनेट गवर्नर तो इसका सही आंसर है बाय द प्रेसिडेंट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन अगली वीडियो में हम मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ तो आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको अपडेट मिलती रहे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाय बाय